Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Neha, and you're watching me Australia. In today's video, I will be taking you along with me to Kohl's, which is a supermarket here in Australia. I'll show you around. My bags are ready, so I'm just leaving now. We don't have to shop much, but I will show you everything that Kohl's offers. So come along with me and let's get started with today's video. सो दिस वीडियो वॉज शॉर्ट इन ऑगस्ट एंड तब चेरी ब्लॉसम जो स्टार्ट हुआ था लुक हाउ प्रिटी इट लुक्स तो हमारे घर के पास ही कोल्स है um, कोल्स ही है एक्चुअली एल डी एंड वुलवर्ट्स नहीं है तो वॉकिंग डिस्टेंस है तो यूजुअली हम चल कर जाते हैं डिसेंट साइज का कोल्स है यू गेट व्हाट यू वॉन्ट तो सबसे पहले हम गए ब्रेड के आयल में अब आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊँगी कि ये आयल कितना बड़ा है यहाँ के लोग काफ़ी ब्रेड खाते हैं तो काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटी के ब्रेड्स मिलते हैं जिनका नाम मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था सावरडो मिलता है होल मील ब्रेड होता है सैंडविच लोफ नाइन ग्रेन ब्रेड या फिर फाइव सीड ब्रेड लो जिया ब्रेड या फिर ग्लूटन फ्री ब्रेड होता है तो पहले आप जब नए नए आओगे ना आपको कुछ टाइम लग जाएगा अपना फेवरेट ब्रेड ढूंढने uh, में क्योंकि आप बहुत सारे ब्रेड्स ट्राई करोगे हमारा फेवरेट है होल मील ब्रेड फ्रॉम कोल्स चीप एंड टेस्टी एंड हेल्दी ऑल्सो क्योंकि होल मील है तो यहाँ के लोगों को कॉफ़ी भी बहुत पसंद है तो ये जो पूरा आयल आप देख रहे हो ये सिर्फ भरा हुआ है कॉफ़ी और टी के वाइटीज़ uh, से तो कॉफ़ी पॉड्स है जो कॉफ़ी मशीन में डालते हैं इंस्टेंट कॉफ़ी है एंड देन यहाँ पे सीरियल्स भी बहुत सारे ऑप्शन uh, हैं सीरियल्स में भी तो वीट पिक्स एक कल्ट फेवरेट है ऑस्ट्रेलिया में एंड दूसरी तरफ लॉन्ग शेल्फ लाइफ मिल्क uh, होता है वो भी होता है जो कार्टन में बेसिकली मिल्क मिलते हैं तो इसमें भी वैराइटी है सोयाबीन मिल्क uh, मिल सकता है आपको या फिर आमन मिल्क वो सब भी मिलता है uh, बात करते हैं मीट की तो मीट के बहुत बड़े आयल्स होते हैं वाइट मीट रेड मीट हर तरह का मीट होता है प्री मैरिनेटेड मीट होता है तो ये जो येलो आपको दिख रहा है ना कार्ड प्राइस टैग जो लगा हुआ है जब भी येलो कलर का प्राइस कार्ड लगा होता है इसका मतलब ये है कि वो डिस्काउंट पर है हलाल मीट भी है तो गुड जिनको रिलीजियस पर्पज सिर्फ हलाल खाना होता है हमारा फेवरेट है ये मॉक मीट जो एक्चुअली मीट नहीं होता है टेक्सचर मीट का होता है बट बना वेज से होता है क्योंकि हम वेजिटेरियंस हैं तो ये हम काफ़ी बाय करते हैं आई मीन काफ़ी तो नहीं बट हाँ कभी कभी बाय करते हैं बिकॉज़ ये काफ़ी प्रोसेस्ड होता है तो थोड़ा अवॉइड करते हैं तो ये बियॉन्ड बर्गर है जो कि बीफ बर्गर की तरह टेस्ट करता है बट बना होता है सोयाबीन से तो ये जो ऊपर स्पेशल लिखा होता है ना देखो ये हाफ प्राइस लिखा हुआ है दैट मींस एटीन डॉलर्स का था ऑलि ऑयल और अब नाइन डॉलर्स का मिल रहा है तो ऐसे आपको पूरे स्टोर में लिखा हुआ मिलेगा हाफ प्राइस हाफ प्राइस ज़रूर उसको चेकआउट करें नाउ मिल्क मिल्क का ऑयल बहुत बड़ा होता है हाई कैल्शियम मिल्क लैक्टोस फ्री मिल्क स्कीम मिल्क फुल फैट मिल्क ए टू मिल्क बहुत सारे हैं यार सारा नाम पढ़ते पढ़ते तो दिन बीत जाएगा तो अगेन हम ए टू मिल्क लेते हैं जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो बट आपकी जो भी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ यहाँ मिल जाएगा अगेन थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में कोल्स का जो खुद का ब्रांड ब्रांड वाला मिल्क होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है तो हम ए टू लेते हैं या फिर वो मिल्क ट्राई आप कर सकते हो अगेन वी हैव फ्रोजन फूड तो इसमें पाएज होते हैं क्रैप्स होते हैं बहुत कुछ होता है ये आप इनको अवन में बस ये बने बनाए होते हैं इनको अवन में डालो कुछ टाइम के लिए पिज्ज़ाज़ होते हैं और फिर आप इनको खा सकते हो तो जैसे कि मूव केक के है उन पर इंस्ट्रक्शन लिखा होता है एंड देन कम्स माय फेवरेट आइसक्रीम सेक्शन तो ये जो टब्स हैं ये तो एक लीटर दो लीटर वाले टब हैं जो कि इंडिया में भी इजीली मिलते थे बट यहाँ पे छोटे टब्स भी होते हैं uh, उसके साथ स्टिक आइसक्रीम होते हैं काफ़ी सारे वैरायटी के हैं मुझे नहीं लगता कि मैंने फाइव भी इनमें से खाया होगा ये मेरा फेवरेट है योप्रो टेन ग्राम प्रोटीन आइसक्रीम तो प्रोटीन का बिल्कुल टेस्ट नहीं होता है बट इट्स रियली हेल्दी एंड टेस्टी तो फ्रूट पॉप्स होते हैं तो बेसिकली फ्रूट को बच्चों के लिए फ्रीज करके जो बनता है उनको फ्रूट पॉप्स कहते हैं इसके बाद आता है योगर्ट का सेक्शन तो हाई प्रोटीन योगर्ट है आम, डेरी फ्री योगर्ट है यानी कोकोनट मिल्क से जो योगर्ट बनता है वो है फ्लेवर्ड योगर्ट होते हैं ग्रीक योगर्ट होते हैं पॉट सेट योगर्ट होता है मेरा फेवरेट अगेन ये है कोल्स का हाई प्रोटीन योगर्ट ये फाइव ट्वेंटी का है फाइव डॉलर ट्वेंटी सेंस एंड काफ़ी टेस्टी होता है फिर आता है चीज़ तो यहाँ के लोग पिज्ज़ा और पास्ताज में चीज़ काफ़ी यूज़ करते हैं तो अगेन एक पूरा आयल चीज़ से भरा होता है श्रेडेड चीज़ स्लाइसेस चीज़ के क्यूब्स होते हैं चीज़ के ब्लॉक्स होते हैं पामेजान फोर चीज़ मिक्स पता नहीं क्या क्या होता है मैंने भी सब कुछ ट्राई नहीं किया है और साथ साथ काफ़ी एज्ड चीज़ भी होती है हलूमी होता है विच इज़ अ काइंड ऑफ अगेन चीज़ बहुत टेस्टी होता है खट्टा सा होता है एंड हमारा प्यारा पनीर तो इसके साथ फिर ड्रिंक्स का सेक्शन आता है जहाँ पे कम्बूचा होता है कम्बूचा इज़ जस्ट फर्मेंटेड टी बहुत टेस्टी होता है और गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है uh, तो ये बॉटल्स होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के इसके तहत सोडा हो सोडाज होते हैं यानी जिसको यहाँ पे स्पार्कलिंग वाटर कहते हैं सोडा को बेसिकली अगर आप आओगे तो ये याद रखना सोडा खरीदना है तो स्पार्कलिंग वाटर खरीदना फ्लेवर्ड स्पार्कलिंग वाटर भी होता है तो वो भी आप खरीद सकते हो हमने लिया यहाँ कम्बूचा क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए इट्स नॉट एल्कोहलिक ये फर्मेंटेड टी होता है इसके बाद बीच बीच में ना ऐसे स्पेशल सेक्शंस होते हैं ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ना आए हुए कुछ आइटम्स होते हैं तो जैसे ये कुछ बेड शीट्स आए हुए थे आई गैस तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो तो यहाँ लोग पास्ता बहुत खाते हैं तो पास्ता के वैरायटी तो होंगे ही तो ये पूरा आयल पास्ता से भरा हुआ था सो आई डोंट नो बहुत सारे ये आ, पास्ता शेल्स थे फेटू चीनी आ, जो रिसोर्ट में राइस यूज़ होता है वो बहुत सारे तरह के पास्ता है एंड वहाँ पे एक इंटरनेशनल फूड सेक्शन होता है जिसमें एक छोटू सा इंडियन सेक्शन होता है तो यहाँ पे आपको ना जो भी बेसिक इंडियन चीज़ें हैं ना खाने में यूज़ होने वाली वो मिल जाएंगी तो पार्ले जी है टोस्टी है बिस्किट थोड़े बहुत चाय बादाम मिल्क अचार थोड़ा सा ना वो स्पाइसेस भी रखते हैं ड्राई स्पाइसेस, मैगी मिल जाती है दालें मिल जाते हैं आपको बहुत सारी वैरायटी तो नहीं होती बट इतना मिल जाता है कि अगर मान लो आपको इंडियन स्टोर ना मिले तो आप यहाँ से अपना बेसिक चीज़ जो भी है वो खरीद सकते हो घी भी मिल जाता है चटनी मिल जाती है और ना ऐसे कुछ स्पाइस मिक्सिस मिल जाते हैं करी सॉसेस जो आप राइट पे देख रहे हैं जो बिल्कुल रेडी टू ईट होते हैं मतलब अपना पनीर या चिकन डाला ये सॉस डब्बे से डाला एंड डन एंड यहाँ पे आलू भुजिया है जिसको देख के मेरा दिल टूट रहा है क्योंकि मैं खा नहीं सकती आलू भुजिया आप uh, तो बेसिकली सब कुछ अंडर वन रूफ है अब ये जो दालें हैं ना वो इंडियन सेक्शन में भी मिलते हैं और इंटरनेशनल फूड के और भी सेक्शन में से मिलते हैं तो आप ये होते ऑलमोस्ट सेम है आप प्राइस कंपेयर करके जो आपको चीप लगे वो ले सकते हो ये वो सेक्शन है जहाँ मैं बिल्कुल जाना प्रेफर नहीं करती हूँ बेसिकली ये है चॉकलेट और लॉलीज़ का सेक्शन और अगर आपके बच्चे हैं तो आपको भी ये सेक्शन थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए एंडलेस नंबर ऑफ चॉकलेट्स बॉक्स में चॉकलेट है चॉकलेट के बार्स हैं मतलब इतनी सारी वैराइटीज़ हैं डेरी मिल्क के इतने अच्छे अच्छे फ्लेवर है गिफ्टिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है तो अगर आप यहाँ आ रहे हो और फिर आपको इंडिया जाना हो ये ज़रूर लेके जाना बिकॉज बहुत यूनिक फ्लेवर्स होते हैं यहाँ पे चॉकलेट के जैसे ये का आपको दिख रहा है एक मिंट फ्लेवर का भी होता है तो बहुत अच्छे चॉकलेट्स मिलते हैं और उनका फेवरेट है ये ओल्ड गोल्ड रम एंड रेजन बहुत टेस्टी होता है ये मस्ट ट्राई फिर ऑयल्स तो ऑयल्स में जो आपका बेसिक सनफ्लावर ऑयल राइस ब्रान ऑयल वो तो होता ही है उसके साथ साथ ऑलिव ऑयल ग्रेप सीड ऑयल पीनट ऑयल बहुत सारे तरह के ऑयल होते हैं हम ये राइस प्लान ऑयल यूज़ करते हैं यू कैन ऑल्सो फाइंड मेकअप यहाँ पे मतलब बहुत सारे आपको शेड्स और वैरायटी तो नहीं मिलेगी बट हाँ बेसिक मिल जाएगी बट इससे चीप मेकअप आपको कुछ ड्रग स्टोर मेकअप जो है वो आपको केमिस्ट वेयर हाउस वगैरह में मिल जाएगा तो यहाँ से मत लो अंटे इट्स ऑन डिस्काउंट फिर आपके जो भी पर्सनल हाइजीन के आइटम्स हैं रेजर्स फेस वॉश सनस्क्रीन शैम्पू कंडीशनर वो सब कुछ मिल जाएगा अगेन बहुत सारी वैरायटी होती है टूथ ब्रश तो आपको देखना होगा कि आपको क्या चाहिए थोड़ा टाइम लगता है फिगर आउट करने में पहले तो मुझे मैं थोड़ा लॉस्ट भी हो जाती थी जब मैं न्यू थी ऑस्ट्रेलिया में बिकॉज इतना कुछ है यार कौन सा ब्रांड लेना है समझ ही नहीं आता था इसके बाद घर साफ़ करने के लिए तो बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर में टैबलेट्स डालने के लिए वो सब कुछ अवेलेबल है जो भी आपको स्पॉन्जेज या कपड़े चाहिए घर साफ करने के लिए वो सब सारे डिफरेंट तरह के स्प्रेज डिस वाइप्स ये कॉलिन की तरफ इंडेक्स है जो आप अपने शीशे साफ करने के लिए यूज़ कर सकते हो वो सब मिलता है फिर होता है डेली सेक्शन विच इज़ डेलीकट आई जस्ट डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट डेली का एक फुल फॉर्म होता है बेसिकली यहाँ पर ना कुकड और अनकुकड दोनों तरह के मीट ऑलिव सैलड्स ये सब मिलते हैं तो ये सब डिफरेंट तरह के मीट्स हैं ये सब uh, सन ड्राइट टमेटोज सैलेड्स सैलड्स ये सब सब कुछ यहाँ पे मिलता है यहाँ पे आप मीट खरीद सकते हो काफ़ी अच्छा मीट होता है ये आ, ये है एक्चुअली रोस्टेड चिकन तो यहाँ पे रोस्टेड चिकन मिलता है आर एस पी सी अप्रूव विच इज़ बेसिकली फ्री ऑफ केमिकल्स तो ये काफ़ी अच्छा होता है तो अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं यू कैन टेक दैट होल चिकन एंड फिर ये फिर वही वेजीज़ का सेक्शन है प्याज आलू टमाटर सब्जियाँ जो भी आपके बेसिक हैं पर मैं यही एडवाइस करूँगी यहाँ से मतलब अंटे एंडस आपके घर के पास कोई सब्ज़ी वाली दुकान ना हो क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ़ कोर्स वेरी गुड बट प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है इसके अलावा फिर थोड़े बहुत हर्ब्स मिल जाते हैं मिर्ची वगैरह मिल जाती है स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी वो सब एंड देन सैलड मिक्सिस ये पैकेट में सारे सैलड मिक्सिस होते हैं फ़ोर पैक सैलड मिक्स उस तरह के फिर नेक्स्ट हम गए सारा सामान खरीदने के बाद बिल कराने के लिए तो आप सेल्फ चेकआउट भी कर सकते हो या फिर असटेड चेकआउट भी कर सकते हो सेल्फ चेकआउट में हम खुद सब कुछ स्कैन करते हैं एंड खुद पेमेंट करते हैं आपको असिस्टेड चेकआउट चाहिए तो कोई होगा जो आपके लिए ये सब कर देगा यूजली हम सेल्फ चेकआउट करते हैं उसका कोई रीज़न नहीं है हमें वही पसंद है देन पेमेंट के लिए क्या करना होता है उसमें ऑप्शन होता है कार्ड से भी पे कर सकते हो कैश से भी पे कर सकते हो तो हमने यहाँ पे कैश चूज़ किया कुछ भी नहीं है बहुत आसान है कैश इंसर्ट किया और इसके बाद वो खुद कैलकुलेट करके आपको सारा जो भी चेंज है वो वापस कर देगा अपना रिसीट लो सामान पैक करो एंड यू कैन लीव तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बस बार कोड स्कैन करना होता है और ख़ुद ही एक्चुअली आपको अपने आइटम्स को पैक वगैरह करना पड़ेगा अपने बैग में अस चेकआउट में कोई आपके लिए ये कर देगा तो ये था कोर्स का एक छोटा सा टूर आई होप यू लाइक इट अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो आई एम श्योर यूल फाइंड दिस हेल्पफुल And that is it for today's video, guys. I hope you enjoyed watching this little tour of Kohl's. If you did like this video, give it a big fat thumbs up, share it with your friends, subscribe to my channel for more such videos. Let me know in the comment section what videos you would like to see next, and I will see you in my next video. Bye!